हीरो एक्सट्रीम 125R भारत की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मेकर कंपनी हीरो की तरफ से है। हीरो एक्सट्रीम 125R आपके सामने और मैं केतन दास शर्मा आज करूंगा इसी के हाईलाइट डिस्कस और साथ ही साथ हीरो एक्सट्रीम 125R को खरीदते वक्त आपको किन बातों का ध्यान देना चाहिए। कहते हैं ना, सबसे प्यारी चीज ही हमें थोड़ा सा दुख दे जाती है, तो उन्हीं बातों को हम थोड़ा सा ध्यान देंगे और किसी वीडियो में डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन ये वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ जिसमें कि वो सारी बातें याद करेंगे। तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, इसमें 125 सीसी का इंजन यूज किया गया है जो कि स्प्रिंट ईबीटी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जिसकी की फुल फॉर्म आ जाती है स्मूथ पावर रिस्पांस एंड इंस्टेंट टॉर्क, और ईबीटी की फुल फॉर्म है इंजन बैलेंसर टेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से मिलेगा आपको 11.4 बीएचपी की पावर और 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क। लेकिन यही बात ध्यान देने की है कि केटीएम जैसे लुक में मिलने वाली मोटरसाइकिल सिर्फ 125 सीसी इंजन में आती है, तो जो आपको अग्रेसिव तो फील कराएगी लेकिन जब आप इसे ड्राइव करोगे तो ये कम्यूटर की तरह बिहेव करेगी। हालांकि इसकी टेस्टिंग में निकल के आया है कि आप इसे 115 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड पर भी चला सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी कहीं भी अंडर पावर महसूस नहीं होने वाली है। एंड जो इसका माइलेज सुनने में आ रहा है वो कंपनी बताती है 66 किलोमीटर पर लीटर, लेकिन मेरे काफी सारे भाइयों ने दोस्तों ने टेस्ट किया है, उन्होंने 69 किलोमीटर पर लीटर का भी इसमें एवरेज निकाल दिया है। तो है ना कमाल की मोटरसाइकिल, लेकिन जो ध्यान रखने वाली बात थी वो भी मैंने आपको साथ साथ बता दी है। अब बात करते हैं इसका मीटर कंसोल से, तो भाई देखो फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल आ जाता है, और मेरे प्यारे भाइयों आप देखो इसमें ना आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इंजन की, साइड स्टैंड की, टाइम की, ये सारी चीजें मिल रही है। और ये छोटा सा क्या छुपा दिया यहाँ पे, ओ भाई साहब मोबाइल चार्ज करने के लिए यहाँ पर ये देखो भाई यूएसबी पोर्ट भी दिया गया है, ताकि अपनी केबल लगाओ और फोन कर लो चार्ज मजे से। अब थोड़े जरा इसकी बटन की ना फिनिश और फिटिंग भी देखनी चाहिए कैसी बनाई है। तो भाई देखो ये इसका लेफ्ट आर्म, और यहाँ पर इसमें दिए हैं हैजार्ड के बटन, और इसमें हाई बीम लो बीम के बटन और इंडिकेटर के बटन। तो भाई इसकी वजह से भी ना इसका लुक थोड़ा सा एनहांस हो जाता है, क्योंकि क्वालिटी मेरे को बहुत प्रीमियम लग रही है। देखो बटन के क्लिक भी अच्छे हैं, एंड ये जो इंडिकेटर का बटन है ना ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाता है, इसका मतलब जैसे ही आप राइट टर्न लोगे तो अपना ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। एंड ये है आपका यहाँ पर की लगाने के लिए की होल, एंड यहाँ पर आपके सामने है इंडिकेटर सारे। एंड अब देखते हैं एक और डिटेल चीज, इसको ओपन करके देखते हैं यार पता तो चले। ओ हो ये रहा यूएसबी पोर्ट, तो भाई निश्चिंत हो जाओ क्योंकि आपको हीरो एक्सट्रीम 125R में सुविधाएं सारी मिलने वाली हैं, फीचर सारे मिलने वाले हैं भर भर के। लेकिन ये जो इसका राइट हैंड वाला जो आर्म है इसमें क्या क्या फीचर है देखो, इसमें किल स्विच दिया हुआ है, और अब देखो बिल्ट इन आपको उसी में सेल्फ का बटन भी मिल रहा है, जैसे बेल का होता है ना घर में बेल बटन, उसी तरीके से आराम से कर लो इसे स्टार्ट और रेव करके निकल जाओ 125 सीसी मोटरसाइकिल हीरो एक्सट्रीम 125R के साथ में। ORVM की प्लेसमेंट और साइज बड़ी जबरदस्त बनाई है भाई, जब आप बाइक बैठ के चलाओगे ना अपनी गर्लफ्रेंड का चेहरा बड़े प्यार से देख सकते हो उसमें पीछे बैठी हुई का। और देखो ये जो उसका फ्यूल टैंक बनाया ये है 10 लीटर का, तो भाई 66 के माइलेज के साथ में आपको 660 किलोमीटर की इसकी रेंज मिल जाती है। इस पर कवर लगा के अच्छा कर दिया है, अब इस पर स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे। इसके दो मॉडल आते हैं, प्राइस की बात भी करूंगा। सीट देख रहे हो भाई, ये भी गर्लफ्रेंड के हिसाब से बना दी है, मतलब दो ही जने बैठ के चलो। अब बस यही मुझे थोड़ी सी कमी लगी भाई, फैमिली वाले कैसे करेंगे, चिंटू को कहाँ बिठाएंगे, अब आप ही मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, है कोई चिंटू को बिठाने की जगह। बाकी अब आ जाओ उसके रियर लुक पे, भाई ये तो दिल जीतने वाली चीज बना दी है। यहाँ पर देखो लॉक बटन बनाया है जिसकी वजह से आप इसकी सीट को स्प्लिट कर सकते हो, जिसके अंदर मेडिकल किट वगैरह रखी होगी, और ये इसके दे दिए देखो ग्रैब आर्म। मुझसे कोई पूछे तो भाई ये ग्रैब आर्म तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गर्लफ्रेंड अगर इन्हीं को पकड़ लेगी तो फिर आपको कौन पकड़ेगा मोटरसाइकिल चलाते हुए। और स्प्रिंट ईवीटी इंजन से कुछ नहीं होता, असली पावर वहीं से आती है। तो हीरो एक्सट्रीम 125R है दोस्तों आपके सामने, जिसने स्पोर्टीनेस की सारी हदें पार कर दी है। देख रहे हो ना आप किस तरीके से इसमें पीछे की रियर लाइट लगाई है, इंडिकेटर की प्लेसमेंट करी है, उसके नीचे नंबर प्लेट लगाई है, और उसके नीचे आ जाता है इसका टायर हगर, उसके ऊपर लगा दिया है रिफ्लेक्टर, और नीचे दे दिया चौड़ा टायर। एक एक चीज भाई साहब डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसको खरीदना एक फायदे का सौदा हो जाता है, और जो छोटी छोटी चीजें हैं वो मैं आपको ट्रिक्स बताता ही जा रहा हूँ साथ के साथ में। साइलेंसर भी काफी अच्छे न्यू डिजाइन का है, जब साइड से जाएंगे तब कवर करेंगे। अब जरा डिटेल में देखो कि इसके इंडिकेटर में ना 3 LED का सेटअप दिया गया है, उसी के साथ में राइट में भी एक और इंडिकेटर है जो कि सेम लेकिन फ्लेक्सिबल वाले हैं, इस बार ये टूटेंगे नहीं हीरो स्प्लेंडर की तरह। अब ये देखो भाई साइड प्रोफाइल यहाँ से आती है इसकी फुल्ली स्पोर्टीनेस निकल के, कि जिसमें टायर भी है जिसमें कि डुअल स्पोक अलॉय व्हील का भी इस्तेमाल किया गया है, और साइलेंसर भी छोटा और स्पोर्टी बनाया है, ऐसा नहीं कि लंबा सा दे दिया हो या आपके जैसे TVS रेडर वगैरह में जो आता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जरा इसका प्रोफाइल चेक कर लो, 120/80R17 भाई, 17 इंच का टायर जो कि 120 की चौड़ाई के साथ, मतलब किसी भी टर्न पे आपने लिटा के भी निकाल दी ना तो भी आपकी गर्लफ्रेंड टच से मस नहीं होगी, इतनी बढ़िया बैलेंसिंग मिलेगी। और देखो साइलेंसर कितना स्टाइलिश और छोटा बनाया है कि वो भी जमीन पे नहीं सटने वाला है। तो
भाई स्टाइल का पूरा ध्यान दिया है भरपूर आपके सामने। और यहाँ पर देखो सैंडल आएगा बड़े प्यार से, ये जो मेटल का बनाया है पिलियन, ताकि स्क्रैच ना पड़ जाए आपकी मोटरसाइकिल पे। मैं देख रहा हूँ इसमें काफी जगह पे यार मेटल का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है, जो कि नॉर्मल स्प्लेंडर और पैशन वगैरह से ना काफी ऊपर के लेवल की मोटरसाइकिल आ जाती है। मतलब सिर्फ कहने के लिए 125 सीसी सेगमेंट की है, जैसे कि देखो किक है ये भी मेटल की है, लेकिन ये मोटरसाइकिल भाई ये 150-200 सीसी सेगमेंट में आ जाती है कम्प्लीटली। हीरो एक्सट्रीम 125R। फ्रंट व्हील में 276 mm का डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक, और इसका 37 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। भाई ये तीनों को बहुत बड़ा योगदान है इसकी ड्राइव को कंफर्टेबल बनाने में। 3D एम्बलम हीरो एक्सट्रीम टैंक के ऊपर दे दिया है, लेकिन उसी के साथ में जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना कम्प्लीटली कॉल दे दिया है, जिसके ऊपर 125R की बैजिंग कर दी है। भाई पूरा इंजीनियर ने ना ऐसा दिमाग घुसा दिया कि इसके बाद में बाइक बनाने की जरूरत ही नहीं है दूसरी, 125 सीसी सेगमेंट में अकेले यही चलेगी। भाई देखो तो दर्शक भी ना इसके इंडिकेटर को हिला हिला के देख रहे हैं, क्योंकि फ्रंट ब्रेक में इसमें मिलेगा आपको ABS, क्योंकि सिंगल चैनल ABS इसमें आता है। और इसके LED आपको देखने के लिए मिल जाएंगे कंप्लीटली फ्रंट हेडलैम्प, क्योंकि हमने फ्रंट में तो बात करी नहीं फ्रंट लुक की, लेकिन प्राइस की बात मैं जरूर करना चाहूंगा। इसमें दो वेरिएंट आपको देखने के लिए मिलते हैं, एक जिसमें आता है ABS, एक में आता है नहीं। तो बिना ABS वाला वर्जन आपको मिल जाएगा इसका 96,789 रुपये में, मतलब 96,789 में। और इसका जो ABS वाला वर्जन है वो मिलेगा आपको 1,02,146 रुपये के एक्स शोरूम प्राइस में। तो अगर आपको ये बाइक पसंद आई है और जो बात मैंने बताई आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को फॉलो करो। थैंक यू सो मच।